हेलो फ्रेंड्स, गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। गाइस आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी, मैं आप कह सकते हो, हॉट टॉपिक लेकर आई हूँ। निफ्टी 50 में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि डाइवर्जेंस की वजह से सेलिंग कैसे आती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये देखना बताऊंगी कि डाइवर्जेंस को कैसे देखते हैं। गाइस वैसे तो काफ़ी लोगों को देखना आता होगा, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक तरीके से आप कह सकते हो न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं ट्रेडिंग करना सिखाऊंगी कि कैसे आप ट्रेडिंग एंट्री ले सकते हैं और आपको क्या देखकर वहां से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं आज बता दूं कि निफ्टी 50 में आज के दिन गिरावट देखने को मिली। 0.39% तक ये स्टॉक गिरा, तो इसका रीज़न क्या था? गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर डाइवर्जेंस बन रहा है, लेकिन गाइज आप लोगों को डाइवर्जेंस ऐसे नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको RSI एक टूल है जो कि लगाना आना चाहिए। गाइज RSI क्या होता है? RSI का फुल नेम है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसमें आप RSI टाइप करोगे तो आ जाएगा, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि निफ्टी 50 का मतलब एक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। और गाइज ये 40 डेज के टाइम पीरियड का ही होता है। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आनी चाहिए स्पेशली। जैसे ही आप ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं या आपने कोई भी जीरोधा का अकाउंट या कोई सा भी अकाउंट ले रखा है, आप उधर जाकर चार्ट में आप सबसे पहले तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें कि ट्रेंड कौन क्या चल रहा है। अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया और मैं ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगी इस टॉप से इस टॉप तक। तो गाइज ध्यान से देखिए, ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा है अभी ऊपर देखने को मिल रहा है। गाइज अब यही ट्रेंड लाइन, सेम ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूँगी RSI के अंदर। RSI में गाइज जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से मैंने ड्रॉ करा है, यहाँ से मैंने ड्रॉ करा, तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रेंड लाइन है वो स्ट्रेट बन रही है। इट मीन्स जो प्राइस है उसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तभी आज के दिन गाइज जब भी ट्रेंड लाइन मतलब आप लगा सकते हो हेड के ऊपर ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से और RSI से दोनों ही मिसमैच हो, मैच ना हो, इट मीन्स यहाँ पर ट्रेंड ऊपर जा रहा हो, यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा नीचे जा रहा हो या सीधा जा रहा हो लाइन, तो गाइज इट मीन्स आप कह सकते हो कि डाइवर्जेंस बन रहा है। और ऐसे में गाइज डाइवर्जेंस बनता है तो स्टॉक का प्राइस गिरता ही है। डाइवर्जेंस की वजह से ही आज के दिन आपको इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली है। गाइज ऐसी ही सेम डाइवर्जेंस जो होता है वो बॉटम में भी बनता है। अगर बॉटम में प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI में अगर आप देख रहे हो कि उसका प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब RSI नीचे जा रहा है और ट्रेंड लाइन में तो अपोजिट बन रही है दोनों में, तो इस ऐसे में आप एंट्री लेकर चल सकते हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें बॉटम में डाइवर्जेंस बन रहा होगा और वहाँ पर आपको फ्रेश एंट्री लेनी होगी। लेकिन गाइज अगर आप लोग इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे में डाइवर्जेंस देखकर आप इसके अंदर आप कह सकते हो कि पुट बाय करके चल सकते हो। एंड गाइज देखिए, जैसे कि आपने देखा कि इसमें आज के दिन डाइवर्जेंस था, काफ़ी लोगों को डाइवर्जेंस के बारे में पता होगा, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको डाइवर्जेंस के बारे में नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए अब वीडियोस लाती रहूँगी कि आपको क्या देखकर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, कौन सा टूल यूज़ करके, इंडिकेटर्स यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। गाइज जैसे कि आप देखो, मैं डे के चार्ट पे कर रही हूँ, क्योंकि डे के चार्ट पे ही अगर आप फोकस करेंगे तो उसके अंदर डाइवर्जेंस बनता है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूँ कि 1 आवर का जो चार्ट है उसको भी अगर आप गौर से देखें तो 1 आवर के चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमें गाइज डाइवर्जेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी और यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस सीधा ही है और यहाँ पर भी देखिए, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस थोड़ा सा नीचे जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर डाइवर्जेंस बन रहा है गाइज। सो गाइज जिस तरीके से डाइवर्जेंस बन रहा है तो आज के दिन हमें इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली है। जैसे ही गाइज यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आएगा तो ये स्टॉक आपको कल के दिन भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है या अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को कोर्स सीखना है, तो मैं आप लोगों के लिए फुल कोर्स लेकर आ जाऊँगी जो एक पैटर्न वाइज होगा। आई होप गाइज वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू।